नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ये जन्म कुंडली है नीलेश पवार जी की। जन्म की तारीख नोट कर लीजिए। यदि आप भी इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करना चाहते हैं या इनकी जन्म कुंडली से संबंधित कोई सूत्र आपके भी दिमाग में आ सकता है, जन्म की तारीख है 23 जनवरी 1979 और जन्म का समय है प्रातःकाल 10:50 मुंबई महाराष्ट्र। मंगलवार के दिन इन्होंने जन्म लिया है, माघ मास में कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को। विशाखा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में इन्होंने जन्म लिया। राक्षस गण वृश्चिक राशि है, जल तत्व की राशि है, मंगल राशिश है। कुंडली इनकी मीन लग्न की बनती है, तो जल तत्वीय लग्न और जल तत्वीय राशि। लग्नपति जाकर के बैठे हैं कुंडली के पंचम स्थान में उच्च राशि में वक्री होकर के। मैंने एक सूत्र बताया था, देवगुरु जब उच्च राशि में, क्योंकि सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं, उच्च राशि में वक्री होकर के बैठ जाएं तो नीच के समान फल देने लगते हैं, अर्थात इनका फल बड़ा कमजोर हो जाता है। और फिर पंचम भाव में देवगुरु कारक होते हैं और कारको भाव नाशय। अब इन दोनों सूत्रों को जरा समझिए, क्या देवगुरु बृहस्पति इनकी कुंडली में पंचम भाव में बैठ करके भावनाश कर देंगे और क्या देवगुरु बृहस्पति इनके जीवन काल में खराब फल देंगे। प्रिय दर्शकों, कारको भावनाशय, इस सूत्र को समझा जाए तो सबसे पहला सवाल, कारको भावनाशय क्यों? क्यों? क्योंकि अगर जो ग्रह कुंडली में जिस भाव का कारक है और उस भाव में बैठा है और उस पर कहीं से पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो क्या होता है, भाव भाव कारक दोनों के दोनों पीड़ित हो जाते हैं। अब अगर कहीं गलती से कुंडली में भावपति भी पीड़ित हो जाए तो उस जातक के जीवन काल में उस भाव से संबंधित प्रभाव बिल्कुल ठीक नहीं मिलेगा। तो इनकी कुंडली में पंचम भाव ज्ञान का भाव है, संतान का भाव है, यहां भाव कारक बैठे हैं उच्च राशि में वक्री होकर के। लेकिन याद रखिए, वही एक सूत्र बताया था कि अगर उसी लग्न में बात चल रही हो या वो देवगुरु का, या देवगुरु सर्वाधिक श्रेष्ठ शुभ ग्रह हैं और अगर वो उच्च राशि में जाकर के वक्री होते हैं, नीच समान प्रभाव देने लगते हैं, लेकिन अगर लग्न उन्हीं का हो तो जवाब है ऐसा नहीं होगा। और न तो यहां पर कारक होकर के ये भाव नाश कर रहे हैं, क्योंकि शनि और राहु दोनों में से किसी की दृष्टि इन पर नहीं पड़ रही है। विच्छेदात्मक सूर्य भी हैं, विच्छेदात्मक ग्रह सूर्य भी हैं, लेकिन वो गुरु के मित्र हैं, सूर्य विच्छेदात्मक हैं, फलस्वरूप इनको संतानोत्पत्ति में बाधा उत्पन्न होगी, संतानोत्पत्ति में विलंब होगा, लेकिन संतान होगा अवश्य। ज्ञान के क्षेत्र में दिक्कतें आएंगी, लेकिन ज्ञानवान जातक होगा अवश्य, बुद्धिमान जातक होगा अवश्य। तो राक्षस गण कैसे होते हैं इस गण के लोग आप जानते ही हैं, परिस्थितियों को बदलने के लिए सदैव प्रयत्नशील। मीन लग्न, गुरु से प्रभावित लग्न, वाणी थोड़ी कड़वी, मुंहफट स्वभाव, लेकिन अस्थिर। जातक का जो चित्त है वो सदैव अस्थिर, एक जगह वो टिक नहीं पाता। वृश्चिक राशि होने के कारण वर्तमान समय में शनि की 7.5 चल रही है, 7.5 ने निसंदेह इनको मानसिक अशांति, परेशानी, कष्ट दिया ही दिया होगा, नुकसान भी पहुंचाया होगा। और समझने वाली बात है कि चंद्रमा नीच राशि में बैठे हैं, परंतु शनिदेव की अगर बात करूं तो यह भी मैंने बताया था कि शनिदेव अगर वक्री हो जाए कुंडली में तो प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन कष्ट तो तब भी मिलेगा। इनकी जन्म कुंडली में जिस तरह से ग्रह दिखाई पड़ रहे हैं, चलित चक्र में भी लगभग सारे ग्रह वैसे ही बैठे हैं, केवल एक बुध को छोड़कर, बुध लाभ भाव का फल दे रहे हैं, दशम भाव में दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि वो 27° 56' कला के साथ उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं, फल दे रहे हैं लाभ भाव का। परिवर्तन हुआ है सूर्य और शनि का आपस में। इनके जो प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न है, अगर उन प्रश्नों का जवाब मैं दूं तो उन्हीं प्रश्नों में इनकी जन्म कुंडली का भी अध्ययन हो जाएगा। तो मैं बाकी बातों को छोड़ देता हूं और इसमें विशेष जो सूत्र याद आएंगे वो मैं आपको बताते चलूंगा, लेकिन इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन इनके प्रश्नों के साथ ही प्रारंभ करते हैं। इनका सबसे पहला प्रश्न है, मेरी कुंडली में कौन से अच्छे योग बने हुए हैं? तो नीलेश जी, आपकी जन्म कुंडली में लग्नपति जाकर के कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हैं, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में, केंद्र त्रिकोण राजयोग,
दूसरा, आपकी कुंडली में अगर देखा जाए तो वैसे तो केंद्र में भी और त्रिकोण में भी अगर ग्रह उच्च का हो, स्वगृही हो, तो महापुरुष योग माना जाता है, तो हंस नामक महापुरुष योग। तीसरा, शुक्र और चंद्रमा की युति से भी या दृष्टि संबंध से भी गज केसरी योग का निर्माण होता है, मैंने आप सबों को बताया था। हालांकि ये प्रभावी कमजोर होता है और वैसे भी इनकी कुंडली में चंद्रमा 0 डिग्री पर है, मृत अवस्था में है, थोड़े कमजोर हैं, पर युति है चूंकि चंद्रमा की गति बहुत तीव्र है और देखते ही देखते वो शुक्र को तुरंत छू लेंगे, फलस्वरूप गज केसरी योग। आगे गुरु और चंद्रमा का संबंध नवम पंचम का, तो नवम पंचम राजयोग। आगे लग्न से दशम भाव में शुभ ग्रह हो तो बन जाता है सफल अमल कीर्ति योग अथवा अमला योग, यह भी राजयोग है, शुभ फल प्रदायक होता है। आगे इनकी कुंडली में बन जाता है एक और योग, शंख योग। कैसे? लग्नेश और दशमेश चर राशि में हो, भाग्येश बलवान हो। लग्नेश और दशमेश तो दोनों गुरु ही हैं, कर्क राशि चर राशि है और भाग्यपति मंगल उच्च राशि में बैठे हुए हैं, फलस्वरूप यह बन गया शंख योग। जातक धनवान होता है, सुखी होता है। आगे धनेश जाकर के लाभ भाव में बैठे हैं उच्च राशि में, महाधन योग। एक और सूत्र बताया था, सूर्य और मंगल की युति हो, परंतु मैंने कहा था सूर्य स्वगृही हो, हालांकि यहां स्वगृही नहीं है, शनि की राशि में बैठे हुए हैं, ऋणेश होकर के लाभ भाव में बैठे हैं। एक सूत्र तो यही बनता है कि जातक अपने जीवन काल में ऋण में जितना रहेगा उतना बुलंद रहेगा, ऋण देगा देगा तो बर्बाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाग्यपति लाभ में बैठकर अपनी आठवीं दृष्टि से ऋण को देख रहे हैं, ऋण देना नहीं ऋण लेना है, क्योंकि ऋण ही लाभ में बैठा है जाकर के, तो जातक ऋण लेगा तो ऋण से धनागमन होगा, तो ऋण जातक के लिए बहुत बढ़िया। खैर, सूत्र बता रहा था कि सूर्य मंगल की युति और गुरु की दृष्टि का हो जाना, यह भी बन जाता है महाधन योग के समान फल देने वाला जातक, चूंकि गुरु और सूर्य का आमने सामने होना शिक्षक योग बन जाता है। जातक उच्च कोटि का बुद्धिमान, ज्ञानवान और विद्वान, सूर्य मंगल की युति का एक साथ होना बहुत पराक्रमी बन जाता है जातक, अपने बाहुबल से अपने पराक्रम से सब कुछ प्राप्त करता है। और गुरु मंगल का आमने सामने होना यह भी अत्यंत श्रेष्ठ जातक को बुद्धिमान, ज्ञानवान, नीतिवान बना देता है। तो ये सारे राजयोग आपकी जन्म कुंडली में है। अगला इनका प्रश्न है, मेरी एक शादी टूट गई और मेरा डाइवोर्स हो गया, शादी का सुख मेरी कुंडली में है क्या? अगर है तो दूसरी शादी के योग कब बन रहे हैं? बच्चों का सुख है क्या? वैवाहिक सुख के बारे में बताइए। आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भावपति जाकर के कुंडली में दशम भाव में बैठे हुए हैं, मृत अवस्था में हैं और राहु से दृष्ट हैं। तो भावपति तो दृष्ट हुआ राहु से, भाव कारक यानी सप्तम भाव के कारक शुक्र हैं, वो जाकर के कुंडली के भाग्य भाव में बैठे हैं मंगल की राशि में और मंगल उच्च राशि में बैठे हुए हैं। गुरु की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है और पापक ग्रह के रूप में इनको कोई नहीं देख रहा, निसंदेह आपका विवाह अवश्य हो जाएगा। याद रखिए कि जैसा स्वभाव आपका उग्र है वैसा ही स्वभाव कहीं ना कहीं आपकी पत्नी का भी उग्र होगा, फलस्वरूप वैवाहिक जीवन में मतभेद और परेशानी आती रहेगी और पिछला जो विवाह टूटा उसमें भी कहीं ना कहीं यह कारण लागू होता है, मतभेद और परेशानी का, जिसके कारण आपका विवाह टूटा होगा। आगे भी आपको इस बात का ख्याल रखना है कि वैवाहिक जीवन में परेशानी चलेगी। वैसे तो आपके जीवन काल में परेशानी का एक बहुत लंबा दौर, 7.5 साल के करीब आप पहुंच गए हैं, आपने देखा इसने जो छीनना था, जो खराब करना था वो सब किया होगा। विवाह का सुख है, संतान का सुख सिद्ध कर चुका हूं, विलंब है ये सिद्ध कर चुका हूं, लेकिन है, क्योंकि देवगुरु खुद की राशि में, उच्च राशि में बैठे हैं और लग्नेश हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग में है, अतः संतान का सुख अवश्य देंगे, क्योंकि पुरुष की कुंडली है और शुक्र 22° 15° पर ज्येष्ठा नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में गुरु से दृष्ट होकर के बैठे हैं, किसी भी पाप ग्रह से वो दृष्ट नहीं है, फलस्वरूप पुरुष की कुंडली में शुक्र का बलाबल इस बात की जानकारी देता है कि जातक के पास क्षमता है संतान उत्पत्ति करने की। और दूसरा, देवगुरु का पंचम भाव में बैठना विलंबित ही सही, क्योंकि सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, संतति होगी अवश्य। वैवाहिक सुख के बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा, आपकी राशि वैसे तो देखा जाए वृश्चिक है और विवाह का एक सामान्य योग चल रहा है। जन्म स्थान से अगर देखा जाए तो उत्तर पूर्व की ओर, माफ करिएगा, दक्षिण पूर्व की ओर जन्म स्थान से आपका विवाह होना चाहिए। तो जन्म स्थान से दक्षिण पूर्व की ओर से कोई रिलेशन आए तो आपको विवाह कर लेना चाहिए। वैसे
प्रेम विवाह के भी कुछ हद तक, प्रबल योग तो नहीं लेकिन कुछ हद तक प्रेम विवाह के भी योग हैं। और मैं तो कहूंगा कि आप जिस जगह पर अब खड़े हैं वहां पर बहुत सोच समझ करके, चुन करके ही विवाह करिए, आपके लिए बढ़िया होगा। अगला इनका प्रश्न है, मैं लाइजनिंग और ब्रोकरेज का काम करता हूं, क्या मेरे लिए सही है? अगर नहीं तो दूसरा कौन सा काम करना चाहिए, करियर के बारे में बताइए। देखिए, आपकी कुंडली में वैसे तो मंगल चुकी उच्च राशि में बैठे हुए हैं, तो लाइजनिंग और ब्रोकरेज का जो काम आप कर रहे हैं बहुत बढ़िया है। बुध व्यापारपति बनते हैं और गुरु कर्मपति, गुरु ज्ञान है और बुध वाणी, ज्ञान और वाणी का समन्वय कर दिया जाए तो परामर्श देना, ब्रोकरेज वाले काम जो लोग जमीन इत्यादि की का काम करते हैं, लाइजनिंग करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं ज्ञान ही देते हैं, सामने वाले को बताना कि फलाना चीज आपके लिए बहुत सुटेबल है, बहुत अच्छा है, इसे ले लीजिए, तो ये काम आपके लिए बहुत बढ़िया है, उस काम को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। भविष्य में अगर आपके पास अच्छा पैसा होता हो तो वैसे तो लाइजनिंग सबसे बेस्ट है, सबसे बढ़िया है, परंतु शिक्षा से रिलेटेड, शिक्षा से संबंधित जितने भी क्षेत्र होते हैं, कंसल्टेंसी परामर्श से रिलेटेड जितना क्षेत्र हो, आप इन क्षेत्रों में काम कर सकते हैं, इनमें अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं, आपको सफलता मिल जाएगी। इस कुंडली में महाधन योग मैंने कई दो तीन प्रकार से सिद्ध किया, दो प्रकार से सिद्ध किया, पैसा बहुत कमाने वाले हैं आप, पैसा कमाएंगे। 24 जनवरी 2020 इतना आपको धैर्य तो रखना ही होगा, यह समय एक बार बीत जाए फिर आपके पास नहीं तो ना तो कोई प्रश्न होगा, क्योंकि नाम देखिए, नाम कौन सा, नीलेश, जन्म राशि कौन सी, वृश्चिक, दोनों ही तरफ से आप फंसे हुए हैं। अगर मैं इतना कह दूं कि शनि ने अगर रोड पर ना ला दिया हो तो इससे कम भी ना छोड़ा हो, यानी परेशान तो इन्होंने करना ही करना है, क्योंकि नाम राशि, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि नाम राशि और जन्म राशि एक मत रखिए, क्योंकि जब इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी तो दोनों तरफ से जाएंगे, घर से भी जन्म राशि पर जब प्रभाव होता है साढ़े साती ढैया या राशि से शनि के पंचमस्त होने का, तो वो घर से तबाह करते हैं, और नाम राशि से जब होता है तो वो बाहर से तबाह करते हैं, और जब दोनों पर हो जाए तो दोनों तरफ से तबाह कर देते हैं। अगर किसी इसमें कोई एक बचा रहेगा तो कम से कम इतना तो तय है कि एक तरफ से आप बचेंगे, चाहे घर से चाहे बाहर से, यहां तो दोनों जाएगा। सो भूल कर भी कभी नाम राशि और जन्म राशि एक मत करिए। इन्होंने आगे पूछा, करोड़पति या बड़ा आदमी बनने का योग बन रहा है क्या? देखिए, कई बार मेरे से लोग ये पूछते हैं और मुझे लगता है कि लोग बताते होंगे तभी तो लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि मेरी कुंडली में कितना पैसा कमाने का योग है। ज्योतिष शास्त्र आंकड़ा कभी नहीं बता सकता, किस तरह के आंकड़े की बात करते हैं, ज्योतिष शास्त्र के पुराने ग्रंथों में चले जाइए तो लखपति योग बताया गया है। आज के समय में लखपति का अर्थ जानते हैं क्या होता है? मतलब एक आम आदमी, और उससे थोड़े ऊपर बड़े अगर चले जाइए तो वो एक कप चाय आजकल लोग पी रहे हैं, सुनता हूं कि 3-3 लाख रुपए की चाय भी पी जाती है एक बार का। तो कौन से योग, आंकड़ा, कौन सा आंकड़ा? तो ज्योतिष शास्त्र आंकड़ा तय नहीं करता कि इतना आंकड़ा आपके पास होगा, इतना धन होगा। ज्योतिष शास्त्र तय करता है आप धनवान होंगे, आपके पास ये क्षमता है, ये योग है कि आप पैसा कमा सकते हैं, बड़ा धन कमा सकते हैं। अब बड़ा धन कितना, यह निर्भर करता है आपकी चाह पर, यह निर्भर करता है आपके परिश्रम पर, यह निर्भर करता है आपकी इच्छा शक्ति पर। अगर आपकी चाह है, बड़ा कमाने की चाह है, जैसे अंबानी के पास मैं नहीं जानता कितना पैसा है, लेकिन जितना पैसा है, एक आम आदमी अगर मेरे जैसा आम आदमी कल्पना करे तो यह कल्पना तो करेगा कि उनकी एक या दो पीढ़ी आराम से सोकर खा सकती है। हालांकि लक्ष्मी किसी के पास नहीं टिकी, और सो करके तो बिल्कुल ही नहीं, पर फिर भी एक सामान्य जीवन जिए उन लोग, तो क्या सामान्य नहीं, एक शानदार जिंदगी, क्योंकि मैंने क्या कहा कि मैं कल्पना ही नहीं कर सकता, तो जो कल्पना ही नहीं कर सकता उसके बारे में क्या बात करूं। पर फिर भी वो सो के खा सकते हैं, लेकिन फिर भी अभी भी काम कर रहे हैं लोग, क्यों? क्योंकि चाहत निर्भर है, ये आंकड़ा आप कितना बड़ा करना चाहते हैं, ये आंकड़ा कितना बड़ा करना चाहते हैं, ये आपकी चाहत पर निर्भर करता है, आपके पात्र पर निर्भर करता है, आपका पात्र कितना बड़ा है। इस प्रकृति में कम नहीं है किसी के लिए भी, इस प्रकृति में कोई भी चीज कम नहीं है लेने वाले के लिए, क्योंकि जो कमा रहे हैं यहीं से कमा रहे हैं और छोड़ के सब यहीं जाना है, तो वो अंबानी की संपत्ति आपकी नहीं हो सकती, क्योंकि ले तो किसी को नहीं जाना, यही है। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका पात्र कितना बड़ा है, कितना बड़ा पात्र लेकर के आप आए हैं। जितना बड़ा आपका पात्र होगा, उतनी कल्पना आप कर लीजिए, आप उतना ले लेंगे। हां, कुंडली में योग बहुत बड़े बड़े हैं, धन से संबंधित तो कई सारे,
अगर आप लेना चाहें तो बहुत बड़ा धन योग है। आगे फिर उन्होंने वही उससे ही संबंधित प्रश्न पूछा है कि आने वाले नजदीकी समय में मेरा कुछ बड़ा काम बनकर मुझे बड़े रुपए आने की संभावना बन रही है क्या अक्टूबर नवंबर में, अगले 3-4 माह के करीब। देखा जाए तो आपकी कुंडली में वर्तमान समय में केतु की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है और शुक्र पराक्रमे सोकर के जाकर के भाग्य भाव में बैठ करके भाग्य को देख रहे हैं। केतु आपकी कुंडली के 12वें भाव में है। केतु उलट पलट करने के लिए जाने जाते हैं, आकस्मिक बड़ा धन लाभ कराने के लिए भी जाने जाते हैं, क्योंकि राहु षष्ठम भाव में बैठ करके 12वें को और धन भाव को देख रहे हैं, आकस्मिक धनागमन का योग तो बनता है। लेकिन चूंकि वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 की आखिरी ढैया में हैं और मैं बार बार कहता हूं अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो जाते हुए शनिदेव भी आपको दे के नहीं जाएंगे, और अगर कोई बड़ा धन लाभ हो जाए तो निसंदेह आप मानसिक रूप से शांति महसूस करने लगेंगे, क्योंकि इस कुंडली में ऋण का भी बड़ा प्रबल योग है। बता चुका हूं कि ऋण में ही आपकी बुलंदी है, ऋण से ही आप बुलंद जीवन जिएंगे, लेकिन ऋण में आप रहेंगे। तो अगर बड़ा पैसा है तो सबसे पहले आप चाहेंगे, क्योंकि आप मानसिक रूप से परेशान होंगे, तो आप चाहेंगे कि मानसिक अशांति की जितनी भी समस्याएं हैं, चीजें हैं, सबको दूर कर दो, तो ऋण को भी दूर कर दो। तो ऐसा नहीं होगा। अभी 24 जनवरी 2020 इंतजार करिए, उसके बाद अगर आपके पास कोई विकल्प बचता है धन कमाने का बड़ा, उससे भी बड़ा, जरूर कल्पना कीजिएगा, अभी तो इंतजार कीजिए। मेरी कुंडली में अचानक धन लाभ या बड़ा पैसा आने का योग बन रहा है क्या? धन लाभ का तो बड़ा योग अच्छा बन रहा है, लेकिन अचानक की अगर बात करी जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि आकस्मिक धन लाभ का स्वामी जाकर के भाग्य भाव में कुंडली के आकस्मिक धनलाभ का विचार कहां कहां से होता है? यहां से। क्यों? क्योंकि कुंडली का चतुर्थ भाव जनता का भाव है, जनता का धन, और बिना सोचे समझे बिना जानकारी मिल जाए तो इस भाव का स्वामी जाकर के नीच राशि में बैठा है। किसके साथ? तो अष्टम पति के साथ, जो गड़ा गुप्त धन और धनपति मंगल जाकर के लाभ भाव में है तो जरूर, लेकिन मुझे लगता है कि बैठे बिठाए शेयर मार्केट लॉटरी सट्टा जुआ से बेहतर हो कि आप बहुत बड़ा धन कमा सकते हैं कर्म के माध्यम से। तो कर्म करिए और इस चक्कर को छोड़ दीजिए कि बैठे बिठाए कोई बड़ा धन आ सकता है क्या। आएगा बहुत बड़ा धन इस कुंडली में कर्म के माध्यम से। आगे केतु की दशा के बारे में बताइए और उसके बाद आने वाली शुक्र की दशा के बारे में। केतु आपकी कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं, 24 अंश पर मृत अवस्था में है, लेकिन पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गुरु के नक्षत्र में फल यहीं का दे रहे हैं और षष्ठम भाव में राहु बैठे हैं। लड़ाई झगड़ा शत्रुता इनसे दूरी बनाइए। सूर्य षष्ठे सोकर के लाभ भाव में बैठे हैं, निसंदेह आप शत्रुओं का दमन करने वाले हैं क्योंकि शत्रुहंता योग है आपकी कुंडली में, परंतु किससे लड़ना, क्यों लड़ना? निसंदेह जब आपका शत्रु बनेगा तो वो भी कभी ना कभी आप पर वार करेगा और फिर उस अवस्था में राहु की दृष्टि 12वें भाव पर हो तो कोर्ट कचहरी लफड़ा जेल इत्यादि की समस्या बन जाती है। तो आप लड़ाई झगड़ा इन सब से पहले तो दूर रहिए। और जैसा कि आपने पूछा, केतु की महादशा बहुत अच्छी है, घबराने की आवश्यकता नहीं, हालांकि इस लग्न में वो बहुत कारक नहीं होते, पर फिर भी 12वें भाव में वो मोक्ष का कारक उनको कहा गया है, कारक होकर के उस भाव में बैठे हैं, सो आपके लिए अच्छा ही फल देंगे। शनिदेव राहु के साथ बैठे हैं, कहां पर? षष्ठम भाव में। ज्योतिष शास्त्र का सूत्र, शनि राहु संयुत सर्वदा रोग संयुत। शुक्र अष्टम पति होकर के भाग्य भाव में बैठे हैं, यहां पर चंद्रमा नीच राशि में रक्त का स्वामी, रक्त का कारक जाकर के कुंडली के लाभ भाव में बैठा है, लेकिन असल में देखा जाए तो ये किसी पाप ग्रह से दृष्ट तो नहीं है, पर फिर भी सावधान करता हूं, किडनी शुगर मधुमेह इत्यादि नहीं, पहले शुगर और फिर किडनी तक का इन्फेक्शन वगैरह सब होने वाला है, सो जरा सावधान रहिए। वैसे तो शुक्र और राहु की युति को दीर्घकालिक रोग के योग में जाना जाता है, जैसे कैंसर, सावधान रहिए, दीर्घकालिक रोग का भी योग है, सो सावधान रहना अत्यंत आवश्यक है। शुक्र की महादशा जब आएगी, शुक्र आपकी कुंडली के भाग्य भाव में बैठे हुए हैं और देखा जाए तो पराक्रमेश और अष्टमेश होकर के जाकर के भाग्य भाव में बैठे हैं, इस लग्न में सर्वथा कारक नहीं है, वरन इन्हें मारक कहा जाता है। अब मार्केश होकर के जाकर के भाग्य भाव में बैठे हैं, मंगल की राशि में बैठे हैं, मंगल उच्च राशि में बैठे हैं, कोई ग्रह कैसा प्रभाव देगा, कैसा फल देगा, इस बात की जानकारी चाहिए तो सबसे पहले आप देखिए कि जिस भाव में वो बैठा है उस भाव का भावपति किस स्थिति में है। तो वो उच्च राशि में है, फलस्वरूप शुक्र की महादशा में भी आप धनागमन तो पाएंगे, लेकिन यही वो समय होगा जब आप रोग में भी घिर जाएंगे, क्योंकि शुक्र पहले पराक्रम का 10 साल और फिर अष्टम का फल देंगे 10 साल।
तो ये जो 10 साल होगा उसमें खूब जमकर के आप काम करेंगे, खूब जमकर के पैसा कमाएंगे, खूब जमकर के भोग करेंगे, और फिर भोग रोग दे देगा। तो रोग के लिए आपको तैयार रहना होगा। आगे इन्होंने पूछा है, घर वाहन के योग बन रहे हैं, निसंदेह आपकी कुंडली में बुध की दृष्टि पड़ रही है, हालांकि बुध फल दे रहे हैं लाभ का, लेकिन इस भाव का स्वामी देख रहा है। और मैं आपको बता दूं कि मंगल के पास भी बहुत अच्छा बल है, लग्नपति जाकर के बैठे हैं, भाग्य भाव में भूमि भवन वाहन इन सब का प्रबलतम योग, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। सेहत की बात करूं, बता चुका हूं, कैंसर इत्यादि से संबंधित बड़ा रोग भी हो सकता है, सावधान रहना होगा। किस भगवान की उपासना करनी चाहिए आपको, आप इन्होंने पूछा है, शिव जी की आराधना करिए, खूब खूब आराधना करिए शिव जी की, क्योंकि वैसे भी आपकी कुंडली में दीर्घकालिक रोग के योग दिखे हैं मुझे। शिव जी की आराधना से आपका चंद्रमा भी ठीक हो जाएगा, तो शिव जी की आराधना सबसे ज्यादा बेहतर हो आपके लिए, शिव जी की आराधना करिए। और बीज मंत्र इन्होंने पूछा है किसका जपें, तो चंद्रमा का जपिए, आपके लिए फायदेमंद होगा। स्त्री का सुख कैसा है मेरी कुंडली में, तो मदन काम सप्तम पति जाकर के बैठे हैं, कुंडली के दशम भाव में मृत अवस्था में है, पर फिर भी आपकी कुंडली में शुक्र के पास बल है, फलस्वरूप स्त्री सुख आपको मिलेगा। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए, दाम्पत्य जीवन सुखद हो जाएगा। आयु के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपकी कुंडली में अष्टम पति के पास बल है, लग्न पति के पास बल है, और शनिदेव की स्थिति देखें तो वो भी 19 अंश पर बैठे हुए हैं। चार चीजों को देखना होता है आयु के लिए, अष्टम लग्न तृतीय अष्टम पति, लग्न पति तृतीय पति और शनि, इन सबों की स्थितियों को देखिए और आयु को आप कह सकते हैं कि अच्छी स्थिति में है, तो आयु बिल्कुल ठीक। और विदेश गमन के बारे में आखिरी इन्होंने प्रश्न पूछा है, तो आपकी कुंडली में स्वदेश पति कर्म में, विदेश पति जाकर के षष्ठम में, और परमानेंट विदेश पति जाकर के भाग्य में बैठे हैं, विदेश आना जाना रहेगा, आवागमन रहेगा, रहना आपको स्वदेश में है। विदेश से जुड़ करके आप अपना व्यापार कर सकते हैं, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड अगर कल को आपका व्यापार करने का मन हुआ तो वो आप कर सकते हैं, विदेश तक इसे पहुंचा सकते हैं। तो निलेश जी, ये थी आपकी जन्म कुंडली। अब मैं चलता हूं उपाय की तरफ। आपको उपाय करना चाहिए, जैसा मैंने कहा, भगवान शिव जी की आराधना करिए, सोमवार के सोमवार भगवान शिव के मंदिर में जाया करिए और शिव जी का दुग्धाभिषेक किया करिए, इससे लाभ मिलेगा। मन करे तो बदल बदल करके जल में कुसा डाल करके सोमवार के दिन कुसा वाला जल भी शिव जी को चढ़ाया करिए, इससे आपकी सेहत पर अगर कोई परेशानी आ सकती है वो दूर हो जाएगी। 7:30 अभी भी जारी है, सो हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिएगा, निरंतर नित्य लाभ मिलेगा आपको। चंद्रमा के बीज मंत्र का जप करना चाहें आप जरूर करिए, लग्न और लग्नेश को और पावरफुल बनाने के लिए इनके बीज मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। वैसे मैं कहूंगा कि देव गुरु को बल देने के लिए आप घर के करीब किसी मंदिर में नित्य जाया करिए, मंदिर में दर्शन किया करिए। लोग कहते हैं कि उच्च के गुरु हैं तो मंदिर मत बनाओ, क्या क्या करो मैं नहीं जानता, मंदिर जाइए, मंदिर की सफाई करिए, हो सके तो समय समय पर ब्राह्मणों को कोई जो भी आपसे सामर्थ्य आपकी हो दक्षिणा इत्यादि दीजिए, वस्त्र इत्यादि दीजिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। और अगर कोई कहे कि गुरु उच्च के हैं तो पूजा मत करना, बात ही नहीं है वहां पर। इसके बाद आपकी कुंडली में अगर देखा जाए तो इस कुंडली में मैं रत्न के नाम पर आपको मंगल का रत्न धारण कराना चाहूंगा, मूंगा, 1.25 रत्ती का मूंगा, अनामिका उंगली में, मंगलवार के दिन सूर्योदय से 1 घंटे तक जब मंगल का हो रहा हो आपको धारण कर लेना चाहिए और आजीवन धारण करके रहना चाहिए। बहुत सरल से उपाय हैं, इन्हें आप अपने जीवन काल में लागू कर लीजिए। फिर से दोहरा देता हूं कुंडली समाप्त करने से पहले, पैसा बहुत है, पात्र कितना बड़ा है आपका, आप समेटते समेटते थक जाएंगे, अगर आपके पास इच्छा शक्ति है मिलना बंद नहीं होगा। शुक्र की महादशा भी आने वाली है, मेरी एक राय याद रखिएगा, शुक्र की महादशा में भोग के पीछे मत पड़िएगा, नहीं तो भयंकरतम रोग में चले जाएंगे। अगर बचना चाहते हैं तो भोग से दूरी बना लीजिए, कोई समस्या नहीं। प्रिय दर्शकों, ये थी नीलेश जी की जन्म कुंडली। यदि आप भी इनके लिए कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपका है, आशा करता हूं ये भी घूम फिर करके कमेंट पढ़ेंगे ही। अगर आपके मन में कुछ उत्पन्न हुआ है इनके लिए अवश्य कहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।